हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम लेकर के आए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक, जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकता है, चूँकि 7 मार्क्स से लेकर के 14 to 15 मार्क्स तक का भी कवरेज कर सकता है। यूजुअली 7 से 8 एवरेज आप लेकर के चलिए, बट मैक्सिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ पर बनने के हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, स्ट्रेस में मैनेजमेंट में हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट इन नेचर क्या है, पोटेंशियल सोर्सेस क्या होते हैं स्ट्रेस के, या फिर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस के, यहाँ पे उसका इफेक्ट क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति आपका स्ट्रेस में है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, प्रिवेंशंस क्या हो सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आप उसको रोक सकते हो, किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो, इंडिविजुअल कॉपिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉपिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, और वही जो लोग हैं वो आपके जो मेन रिसोर्सेज होते हैं, जो कि बाकी सारे रिसोर्सेज को ठीक तरीके से प्रयोग करने में मदद करते हैं। मतलब क्या है, देखिए आप सोच लीजिए कि आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, मशीनें हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास जो है रॉ मटेरियल है, बट आपके पास ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, लोग नहीं हैं। तो यहाँ पे उन लोगों, अगर आपके पास लोग नहीं हैं, तो आपके बाकी जो सारे रिसोर्सेज हैं वो एक तरीके से वेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज यू गाइज विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज ऑल दोज पर्टिकुलर रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज इफ़ यू डू नॉट हैव द ह्यूमन बींग। सिंपल, ओके। नाउ यू नीड ह्यूमन बींग्स, और वहाँ पर जहाँ पर लोग इंक्लूड हो जाते हैं, वहाँ पर उनकी सबकी पर्सनैलिटीज़ अलग है, सबके अपने अपने दुख चल रहे हैं जिंदगी में, तो वहां पे उनका स्ट्रेस, चाहे वो वर्क स्ट्रेस हो या फिर पर्सनल रीजंस की वजह से स्ट्रेस हो, उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, या फिर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में उन सभी लोगों का स्ट्रेस को लेकर के मैनेजमेंट करना है, वो आप जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में पढ़ते हो। देखिए, एक पर्सन थे जिनको द फादर ऑफ द स्ट्रेस फील्ड कहा जाता था, उनका नाम था हैंस सेलाई। ठीक है, उनको उनकी एक कोट थी, उनके द्वारा एक चीज़ कही जाती थी, दैट स्ट्रेस इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, कि जो स्ट्रेस है वो क्या है, आपका लाइफ का एक स्पाइस है। ठीक है, एक तरीके से कहते हैं ना, जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक इच्छा करता है कि हमें ये करना है वो करना है, और यहाँ पे अगर स्ट्रेस नहीं है तो आप जो है ऐवे ही अपनी ज़िंदगी बिताते रहोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्ट्रेस में कई बार आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आउट परफॉर्म कर जाते हो, तो इसलिए इसको जो है एक स्पाइस की तरह कहा गया है लाइफ में, एक लाइफ में मसाला है ये। ठीक है, डेफिनेशन की बात की जाए तो स्ट्रेस की डेफिनेशन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लैजरस यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, जो कि है स्ट्रेस एज एन इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज। यानी कि स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस कुछ नहीं है, स्ट्रेस है एक इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस आपका बनता है, इम्बैलेंस किस किस में, इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपकी एनवायरनमेंट की डिमांड है वो, और आपके जो इंडिविजुअल्स के रिसोर्सेज हैं वो, उनके बीच में जो आपका एक इम्बैलेंस बनता है वो स्ट्रेस कहलाता है। जैसे आपको काम करना है भैया सिर्फ 9 से 5, और आप जो है इतना ही काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही काम कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे आपके जो, तो आपका जो रिसोर्स है यानी कि जितना आप काम कर सकते हो वो एक लिमिट है, इतना एक पर्टिकुलर पैरामीटर अगर हम नाप सके तो लेट सपोज 10 के स्केल पे 6 नंबर पे आता है, लेकिन वहीं पे जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका वर्क इन्वायरमेंट है, वो कहता है कि आप और ज़्यादा परफॉर्म करो, और ज़्यादा यहाँ पे काम करो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इम्बैलेंस बन के आएगा, जो डिफरेंस बन के आएगा, दैट इज़ योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैट इज़ योर स्ट्रेस, तो यहाँ पे उसको आप स्ट्रेस कहते हो। और अकॉर्डिंग टू क्लार्की एक और डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास है, जो कि कहती है कि स्ट्रेस, आप जो है स्ट्रेस इज़ कंसीडर्ड टू बी एन इंटरनल स्टेट और रिएक्शन टू एनीथिंग वी कॉन्सिक्वेंसली और अनकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली प्रिजर्व एज अ ट्रीट आइदर रियल और इन इमेजिंड। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को आप कंसीडर कर सकते हो एक इंटरनल स्टेट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे क्या है ये, या फिर आपका ये रिएक्शन है किसी भी चीज़ को लेकर के, जो आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली प्रिजर्व करते हो एज अ थ्रेट, कि भैया ये थ्रेट है। ठीक है, नॉट ट्रीट, मैंने शायद इसको ट्रीट पढ़ा था पहले, कुछ स्पेलिंग्स ऐसी नहीं है, बट ये हैंड राइटिंग की मिस्टेक है। ठीक है,
तो यहाँ पे थ्रेड की तरह आप लेते हो उसको, रियल और इमेजिन में. ऐसा नहीं है कि रियल में ही आपके कोई थ्रेड आपको दिख रहा है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आपको लगता है कि यार जॉब में न्यू जॉइनीज आ रहे हैं ऑफिस में, ठीक है, सबके पास नई नई सोच है, नई नई जो है उनके नॉलेज है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए. तो ये क्या है, एक तरीके से जो आपके इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप जो है एक थ्रेट फील कर रहे हो, चाहे वो रियल में एग्जिस्ट करता हो या नहीं, या फिर वो आपका इमेजिनरी ही क्यों ना हो, कि है नहीं बट स्टिल आप इमेजिनेशन में ये सब लेके चल रहे हो. तो वहाँ पे उसको जो है आप क्या कहोगे कि ये स्ट्रेस है. स्ट्रेस का नेचर क्या होता है, स्ट्रेस जो है एक न्यूट्रल वर्ड है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है अमीरों को, गरीबों को, या छोटे पोजीशन वाले को या बड़े पोजीशन वाले को ही होगा, ये सबको हो सकता है. इट इज़ अ न्यूट्रल वर्ड, ठीक है, न्यूट्रल वर्ड है, सबके लिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो. स्ट्रेस जो है एसोसिएटेड होता है विद कंस्ट्रेंट्स एंड डिमांड. कंस्ट्रेंट्स और डिमांड जहाँ पे आपकी आ जाती है वहाँ पे ये वर्ड आपका स्ट्रेस वहाँ पे एसोसिएट हो जाता है. दो कंडीशंस जो है वो नेसेसरी होती है फॉर पोटेंशियल स्ट्रेस टू बिकम वर्ड आपका दूसरा स्ट्रेस, ठीक है, दैट इज़ असर्टेनिटी एंड आउटकम्स. कि भाई कोई असर्टेनिटी है, कल को कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो यहाँ पे असर्टेनिटी भी होती है एज वेल एज उसके जो आउटकम्स होते हैं उसको लेकर के आप जो है और ज़्यादा स्ट्रेस के कंडीशंस देख सकते हो. ये एक सिंपली एन्जाइटी नहीं होता. कई बार लोग कहते हैं कि एन्जाइटी और स्ट्रेस में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. लोग एन्जाइटी किसी वजह से भी हो सकती है, ड्यू टू हेल्थ भी कई बार एन्जाइटी हो सकती है. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं बहुत ज़्यादा चाय पी लेती हूँ, जो कि मैं पीती हूँ, मेरी आदत है, ठीक है, क्योंकि और कुछ तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं, तो चाय का ही ऑप्शन है, तो हम वही बहुत ज़्यादा पीते हैं, लिमिट से ज़्यादा. बट समटाइम इट मे हैपन कि वो जब सिटिंग जॉब है और बार बार जो है आप नहीं उठते हो, बस बैठे बैठे काम करते रहते हो, सो वहाँ पे जो है आपको एन्जाइटी हो जाती है ड्यू टू द ओवर ड्रिंकिंग ऑफ टी, या फिर कुछ पर्टिकुलर आप जो है प्रोडक्ट्स खा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा वो आपको गैस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको एन्जाइटी हो जाती है. तो एन्जाइटी का डिफरेंट होता है. एन्जाइटी फील करना इसका मतलब ये नहीं आपको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रेस शुड ऑल्सो बी डिफरेंशिएट फ्रॉम नर्वस टेंशन, ठीक है. नर्वस टेंशन की को भी यहाँ पे आप जो है स्ट्रेस से अलग रखना चाहिए. नर्वस टेंशन जो है एक अलग चीज़ है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट स्ट्रेस इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. स्ट्रेस जो है वो आइदर टेम्परेरी भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. भाई थोड़ा टाइम में खत्म हो गया, भाई अब काम नहीं हो रहा, स्ट्रेस हो रहा है, काम नहीं हो रहा, स्ट्रेस हो रहा है, आज डेडलाइन है, स्ट्रेस हो रहा है, और जब काम खत्म हो गया, निपट गया, डेडलाइन खत्म हो गई, यू आर ओके विद दैट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ टेम्परेरी स्ट्रेस, ओके. एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, यार ये करना है, ये करना है, ये इसका जो है टर्नओवर इतना लेके आना है, सेल्स बढ़ानी है, सो दिस माइट टेक अ लॉन्ग टाइम. सो ठीक है, तो ये जो है एक लंबे टाइम पीरियड तक स्ट्रेस चलने वाला है. कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है, ठीक है, या जब तक ठीक से नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, सो वो क्या है, एक बड़ा टाइम पीरियड ले सकता है, ओके. वर्क स्ट्रेसर या फिर पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है. स्ट्रेसर यानी कि कंडीशन जहाँ पे जो है स्ट्रेस बनता है. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कौन कौन से रीज़न हैं, कहाँ कहाँ से स्ट्रेस आ सकता है, या कौन कौन से सोर्सेज हैं ऑफ स्ट्रेस. सबसे पहले यहाँ पे मेनली चार इंपॉर्टेंट सोर्सेज में आप स्ट्रेस को बांट सकते हो. देखो, एक आपका आता है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के किसी रीजंस की वजह से आपको स्ट्रेस है. जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो रही है, या फिर इकोनॉमिकल फैक्टर, ग्रेट डिप्रेशन जो है डिप्रेशन चल रहा है, जैसे कि आपका 1930s में चला था, या फिर लैक ऑफ जॉब हो रही है. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर यानी कि इनोवेशंस. अब देखो, आपको बताते हैं पॉलिटिकल फैक्टर, मोदी जी वापस आ गए ना तो फिर जो है पेट्रोल ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल पेट्रोल जो है दिखेगा ही नहीं, सब इलेक्ट्रिक हो जाएगा, सब ये हो जाएगा. तो हम तो पेट्रोल की कंपनी में काम कर रहे हैं भाई, हम तो रिफाइन वाली पेट्रोल रिफाइन की कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा क्या होगा. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ स्ट्रेस. व्हाई, बिकॉज ऑफ द सम पॉलिटिकल रीज़न विच यू आर एक्सपेक्टिंग और विच इज़ हैपनिंग इन योर कंट्री, ठीक है. तो वो पॉलिटिकल फैक्टर्स आपको ऐसे लग सकते हैं. इकोनॉमिकल फैक्टर, यार मंदी आ जाएगी, जॉब चली जाएंगी, लाइक 2007 और 2008 में हुआ था, तो उस तरीके से आपका जो है इकोनॉमिक फैक्टर में भी
आपको लग सकता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, चैट जीपीटी आ गया, पता नहीं ये आ गया वो आ गया, इतने सारे एआईज आ गए, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस टू सर्वाइव इन द मार्केट। वाई? बिकॉज एआई इज गोइंग टू टेक ऑल द जॉब्स। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट राइट नाउ अभी है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो ये क्या है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर हैं जो कि आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। सो दिस इज इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स। अब यहाँ पे इंडिविजुअल का खुद का स्ट्रेसर भी हो सकता है। पहला आपका जॉब कंसर्न्स, ठीक है, दूसरा आपका करियर चेंजेस, आपको करियर चेंज करना है तो फियर है आपको कि न्यू लोकेशन में आप कैसे काम करोगे, न्यू रिलेशनशिप्स में आप कैसे काम करोगे। जैसे आप नई नई जॉब अगर कहीं आपने स्विच करके ज्वाइन की है तब भी आपको स्ट्रेस हो सकता है कि यार हाउ आई विल बी एबल टू मैनेज हेयर, तो वो भी सिचुएशन आपको मिल सकती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी मनी मैनेजमेंट नहीं है, आपकी खुद की पर्सनल मनी मैनेजमेंट खराब है, या फिर जो है आपका 10 wants and drives, आपकी जो है बहुत ज़्यादा wants है, बहुत ज़्यादा ड्राइव्स हैं आपको, मतलब आपके दिखाते हैं ना जैसे कि भाई बंदा कमा रहा होता है 10-20 हज़ार, पर उसको टेंशन है कि यार मोदी गवर्नमेंट ने जो है ये कर दिया कि टैक्स अब जो है 5 lakh की इनकम पे भी लगेगा। बेटा तुम्हारी है ही नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो। सो यहाँ पे क्या है कि आपकी इनकम कम है बट स्टिल जो एक्सपेंसेस यू आर थिंकिंग, आप जो है बहुत बड़े सोच रहे हो। हालांकि ये एग्जांपल मुझे नहीं लगता मैंने सही दिया, बट स्टिल चलो ठीक है। दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि लेट सपोज आपकी इनकम इज 50,000, ठीक है, बट आपका खर्चा इज ऑलमोस्ट 52,000, तो वहाँ पे क्या है हर महीने या फिर आपकी पर्सनली जो आपके वॉन्ट्स और ड्राइव्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर्सनली रह गई। तो चेंजेस इन लाइफ स्ट्रक्चर, जैसे कि आपकी एज बढ़ रही है तो आप टेंशन में होते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है कि मेरे बाल बच्चे हैं अब छोटे हैं, अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको स्कूल भेजना है कॉलेज भेजना है, तो वो क्या है, दैट इज़ योर इंडिविजुअल स्ट्रेसर। ठीक है, कि यार बच्चे ने कल पड़ोसी के लड़के का सर फोड़ दिया, ठीक है, लड़के का जो है मेरा पड़ोस वाली लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो स्ट्रेसर क्या है, ये इंडिविजुअल स्ट्रेसर है जो आपके रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आपके काम में भी। लाइफ ट्रॉमास, कई बार क्या होता है कि ड्यू टू समवन्स डेथ लेट सपोज हो गई है तो वो पर्सनली आपको बहुत इफेक्ट करता है, आपकी खुद की हेल्थ के इश्यूज हो गए हैं या कुछ ऐसा मेजर हो गया है आपकी लाइफ में, दैट इज़ लाइफ ट्रॉमा, तो वो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि भैया स्ट्रेस लेना ही लेना है, ठीक है, कुछ भी हो गया स्ट्रेस लेना है, मेरे फ़ोन की घंटी बज गई क्यों बज गई, मुझे स्ट्रेस हो गया, ठीक है। टाइप ए जो कि बहुत पर्सनालिटी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और एक होता है टाइप बी पर्सनालिटी जो किसी चीज़ का स्ट्रेस ही नहीं लेते, सामने मगरमच्छ भी आके खड़ा हो जाए यार खाना है इसने तो खा जाएगा, क्यों मैं अपने जान जलाऊं, तो उस टाइप का भी पर्सन होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पर्सनालिटी जो है पर्सन की डिपेंड करती है स्ट्रेस को लेकर के। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को लेकर के स्ट्रेस है कि भैया 10 बजे तक एंटर कर जाओ वरना अगर 10 मिनट भी लेट हुए तो हाफ डे लगा देंगे। सो दीज टाइप ऑफ गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, दिस मे कोज सम स्ट्रेस टू यू कि भाई पहुँचना है फटाफट पहुँचना है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा करके आप आ रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप आपके यानी फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स की वजह से हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है, जैसे कि लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन की वजह से हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन की वजह से हो सकता है कि भैया सेफ्टी कंडीशंस नहीं है, ठीक है, वो प्रॉब्लम आपको लग सकती है। ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप की वजह से होता है, रिकॉग्नाइजेशन सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रही है तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। सो विद इन ऑर्गेनाइजेशन देर आर मैनी आप कह सकते हो रीजन्स विच कैन कोज सम स्ट्रेस टू यू। नेक्स्ट इज ग्रुप स्ट्रेसर, ग्रुप कॉम्प्रिहेंसिव अगर है, लैक ऑफ आपका सोशल सपोर्ट है, कॉन्फ्लिक्ट आपके होते हैं या फिर आपका ग्रुप रिलेशनशिप सही नहीं है तो वो ग्रुप की वजह से भी आपका जो है स्ट्रेसर आपको मिल सकता है, स्ट्रेस आप ले सकते हो। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं स्ट्रेस के, अगर इंडिविजुअल की तरफ से देखें तो एक इंडिविजुअल अगर स्ट्रेस ले रहा है तो उसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस बन के आ सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हो कि स्ट्रेस के रिजल्ट क्या मिल सकते हैं आपको, क्योंकि वो पॉजिटिव तो होने नहीं वाले, दैट इज़ एब्सोल्युटली गोइंग टू बी नेगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, अगर आप ऑन एन एवरेज देखो। सो फॉर एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आपके हो सकते हैं कि उसको एनजाइटी हो जाए, ठीक है, स्ट्रेस कैन कोज द एनजाइटी, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से एनजाइटी हो सकता है, दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से एनजाइटी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है,
ठीक है, डिप्रेशन हो सकता है या फिर नर्वसनेस हो सकती है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आपके हो सकते हैं कि भाई आपको जो है जॉब से रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन होने लग जाए, टेंशन हो आपको, बॉर्डरम महसूस हो कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, सुबह आता हूँ कंप्यूटर पे बैठता हूँ, कट 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 करता हूँ, निकल लेता हूँ। सो दिस यू मे थिंक कि भाई ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है। पुअर जॉब परफॉर्मेंस हो सकती है कि भाई अगर आप स्ट्रेस में हो तो हो सकता है आप अच्छे से काम ना कर पाओ। लोअर सेल्फ इस्टीम हो सकता है, आपका खुद का सेल्फ इस्टीम कम हो सकता है, लेस कंट्रोल होगा, या फिर आपका जो है मोबिलिटी टू कॉन्सनट्रेट कम होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है बिहेवियर सिम्टम्स। बिहेवियर में क्या सिम्टम आ सकता है कि आप जो है या तो ओवर ईटिंग करोगे या अंडर ईटिंग करोगे, आपके खाने के पैटर्न में डिफरेंस हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाओगे या बहुत कम खाओगे, स्लीपनेस हो जाएगी, या तो कम नींद आने लगेगी, आप जो है अपने सेंस ऑफ ह्यूमर्स खोने लगोगे, कोई आपसे मजाक भी करेगा ना यू विल फील इरिटेटेड। ठीक है, यहाँ पे एब्सटेंसनिम एंड टर्नओवर आपको लगेगा। नेक्स्ट रिडक्शन होगा प्रोडक्टिविटी में कि आप प्रोडक्टिविटी भी कम करोगे। तो ये तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं फॉर इंडिविजुअल। बट इंडिविजुअल क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से ही हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है या ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई स्टाफ टर्नओवर और रिक्रूटमेंट्स होगा, यानी कि क्योंकि जो है आपका स्टाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, सो दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल। सो वट दे विल डू इज दे विल फील बोर्डम, दे विल नॉट फील गुड अबाउट द जॉब। So what they will do next is they will leave your organization. Normally जो है वो आपकी organization छोड़ करके चले जाएंगे, and for that आपको जो है उनकी जगह replace करने के लिए नए लोग लाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा that higher staff turnover and recruitment rate आपका बढ़ेगा, high absenteeism and product आपका presenteeism level आपका होगा reduced होगा, productivity level प्रोडक्टिविटी कम होगी। नेक्स्ट इज आपका इंक्रीज होगा हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़, यहाँ पे जो है सेफ्टी इश्यूज़ बढ़ेंगे, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे, आपका जो है लिटिगेशंस यानी कि लीगल ऑब्लिगेशंस बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने जो है कंपनी पे केस भी ठोक दिए होंगे कि भाई ये जो है बहुत स्ट्रेस देते हैं, इनके यहाँ काम कराना मुश्किल है, पॉलिसीज़ जो है वो जनरल पॉलिसीज़ के बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जो कि आपको जो है एज अ स्लेव फील करा रही है। तो उस तरीके से जो है लिटिगेशंस बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ कंपनीज जिन्होंने जो है जो न्यू एम्प्लॉयज़ को ज्वाइनिंग कराती है या न्यू एम्प्लॉयज़ ज्वाइन कराती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करती है उनसे एक बॉन्ड साइन करा लेती है कि आप 2 साल तक हमें छोड़ के नहीं जाओगे। अब वहाँ पर वर्क कल्चर इतना गंदा हो जाता है कि आप वहाँ पे 2 साल का टाइम पीरियड नहीं बिता सकते, अगर आप बिताओगे सो इट इज़ गोइंग टू लाइक सिटिंग इन द हेल वाला सिचुएशन इज आपके लिए हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में लीगल ऑब्लिगेशंस उठा सकता है आपका स्टाफ कि भाई ये तो बहुत गंदा काम करा रहे हैं, आई कॉन्ट वर्क हेयर, बट मैंने इसके साथ बॉन्ड साइन कर रखा है तो मैं जो हूँ चाहता हूँ कि वो जो है ख़त्म हो जाए, या फिर जो है उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, बिकॉज जिस तरीके से काम कर रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड। तो वो क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन की तरफ भी आपको जाना पड़ सकता है। रेप्यूटेशन डैमेज आपकी हो सकती है, अगर आपके यहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रेस में काम कर रहे हैं तो आपकी पर्टिकुलर कंपनी की रेप्यूटेशन गिर सकती है। जैसे ट्विटर की आप देख लो, ट्विटर ने क्या किया था बीच में, जब आपके क्या है ये स्पेस वाले भैया जो है जो कि सब कुछ एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क ने जो है एलन मस्क जो भी नाम है, जब उन्होंने ट्विटर को अपने पास लिया था, बाय किया था, तो उन्होंने क्या किया, अपने कई सारे ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को बाहर करके टाटा बाय कर दिया, और जो लोग काम कर रहे थे उनसे कहा कि आप और काम कीजिए, इवन मोर देन 20 आवर्स के आसपास भी आप काम कीजिए, और वहीं पर फिर ऑफिस में लोग काम कर रहे थे, वहीं सोए जा रहे थे, वाई, बिकॉज वहाँ पर जॉब की शॉर्टेज थी, तो दे डोंट वॉन्टेड टू लूज़ जॉब, तो वो वहाँ पे काम कर रहे थे। इसकी वजह से ट्विटर के खुद की कंपनी पे जो है एक रेपुटेशन को लेकर के थोड़ा सा डैमेज तो आया ही था। नेक्स्ट इज इंक्रीज ट्रेनिंग कॉस्ट। अब आपका क्या है कि अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्रेस में हैं तो आपको जो है उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और जिससे की वजह से क्या होगा कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दोगे, काउंसलिंग्स कराओगे, तो आपकी जो है कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, कैसे आप जो है प्रिवेंट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो इस स्ट्रेस को। सबसे पहले साइकोलॉजिकल फिटनेस कि भाई जो है साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आप स्ट्रांग बनिए, बॉस बकबक कर रहा है सो मन में 2 गालियाँ देकर निकाल दो, ठीक है, आई पर्सनली यूज़ दिस वन, ठीक है, तो हालांकि हमारे बहुत ऐसे है नहीं, बट स्टिल आई पर्सनली समटाइम यूज़ दिस व्हेन समवन इज़ ट्राइंग टू लाइक
चीखू चिल्लाओ टाइप्स वाला सिचुएशन. चीखू चिल्लाओ मीन्स सिर्फ नॉट इन आवाज़, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई पर्सन सामने वाला आपसे जो है आर्ग्यूमेंट के सिचुएशन पे आ रहा है, तो आपको पता है कि भाई इसके साथ अभी बात करूँगा तो मेरा साइकोलॉजिकल लेवल ख़राब होगा, तो आप वहाँ पे जो है ही करके निकल जाओ चुपचाप, बाद में आप उसको जो है ठीक करो. सो साइकोलॉजिकली फिटनेस आपकी होनी ज़रूरी है कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप उस लेवल को इतना जल्दी स्ट्रेस में मत लेकर के आओ. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे ना तो आपका आधा स्ट्रेस तो वहीं बन जाएगा. सो टाइम मैनेजमेंट कीजिए, फटाफट अपना काम कर सकोगे. सोशल नेटवर्क आपके होने चाहिए. सोशली इफ़ यू विल बी कनेक्टेड टू समवन सम अदर पीपल्स एंड यू विल नो दैट दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दीज पर्टिकुलर ऑल द चीज ऑल द सिचुएशंस, सो यू विल नॉट फील मोर स्ट्रेस. यू विल बी हैप्पी दैट लुक ही इज़ ऑल्सो suffering from this. Okay, so it may happen. Okay, जैसे कि आपका थ्री इडियट में था कि भाई दोस्त पास हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो और दुख होता है. तो इसीलिए अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, आप ठीक हो, आपको दुखी होगा, लेकिन अगर सामने वाला का भी अच्छा नहीं हो रहा ना, तो फिर आप थोड़ा सा बैलेंस हो जाओगे. इसीलिए सोशल नेटवर्क बना करके रखो. ओके, तो सोशल नेटवर्क जब आप बना करके रखते हो तो आप इमोशनली कनेक्ट करते हो लोगों से, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आपका एक इमोशनली कनेक्शन बैठता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है या रिलीज होता है. तो आप ये मत लिख के आ जाना कि भैया कल एक भी गंदा कर रहा है तो उसके साथ सोशल नेटवर्क बनाओ. सोशल नेटवर्क बनाओ फॉर एन इमोशनल एक कनेक्शन विद द पीपल्स. ओके, इमोशनल कनेक्शन ऑल्सो जो है एक आपका जो है आपका फ्रेंडशिप कनेक्शन, अनफॉर्मल कनेक्शंस जो आपके बन सके. सोशल सपोर्ट आप ले सकते हो. एडजस्ट लाइफ गोल्स को थोड़ा सा रीएडजस्ट कीजिए. सेल्फ कंट्रोल रखिए. ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी आके बोल जा रहा है और आप गुस्सा कर रहे हो. दैट शुड नॉट बी हैपन, नेवर एवर. थोड़ा सा कामनेस रखिए, रिलैक्सेशन रखिए. रिलैक्सेशन टेक्निक आप कर सकते हो कि भैया अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, स्ट्रेस सा हो रहा है, सिट कामली थोड़ा देर के लिए बैठिए, काम तरीके से बैठिए और क्या कीजिए, अपना कुछ एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए. अपना योगा का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ऑफिस की चेयर पे बैठ करके जो है बाबा रामदेव के द्वारा सिखाया गया कुछ भी करने बैठ गए हो कि बस बस कर रहे हो और वहाँ पे सारे आपको देखने लग गए. तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स की भाई सिंपल थोड़ी देर बैठिए, शांत बैठिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए. अपना जो है सांसें अपनी लीजिए और उसको जो है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, तो थोड़ी देर में आपका जो है स्ट्रेस कम हो सकता है. प्लान योर लाइफ इन एडवांस. पहले से ही प्लान थोड़ा सा करके चीज़ें रखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू टेक योर स्टेप्स अहेड. ओके, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी. नेक्स्ट इज़ आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉपिंग स्ट्रैटेजी. ये क्या होता है कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी स्ट्रैटेजीज अपना सकती हैं, जैसे कि आपका सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट. आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन में आप एक सपोर्टिव क्लाइमेट दो कि भाई सब लोग मिलकर के काम कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजर बोलेगा और बाकी सब सुनेंगे. नहीं, सबके जो है विचार लिए जा सकें. जॉब इनरिचमेंट हो, यहाँ पे जो है जॉब को लेकर के आपको जो है चीज़ें बताई जाएँ, कैसे करनी है, क्या करनी है, सब डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में क्या किसका क्या रोल है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, वी आर इन अ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, हम एक प्रॉपर फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में ही ऑफिस भी है. सो वहाँ पे क्या होता है कि ऑफिस में हम बैठे होते हैं, कोई भी आकर के हमें बोल जाता है कि चाय पत्ती ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, आज जो है बर्तन धोने का साबुन ख़त्म हो गया. सो भैया दिस इज़ नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सो देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ रोल्स कि कौन क्या करेगा, ठीक है. तो ये रोल की क्लैरिटी होनी चाहिए. कल को कोई आकर के हमें बोल देगा यार तुमने उस पर्टिकुलर पर्सन से माल नहीं मंगवाया, ऑर्डर नहीं दिया, दिस इज़ नॉट आ जॉब बेटा, दैट इज़ अ जॉब ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट, जो ये काम कर रहे हैं. अगर परचेजिंग डिपार्टमेंट है तो वो करेगा, अगर वो नहीं है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका ऑर्डर देगा. सो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी काम नहीं है. या तो आप क्लियर करो कि देखो अकाउंट्स डिपार्टमेंट सुनो मेरी बात, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आकर के तुम्हें रिक्वायरमेंट्स बताएगा, तुम आगे ऑर्डर पास कर देना. तो यहाँ पे एक रोल क्लैरिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि किसका क्या रोल होने वाला है, आपको वो बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. करियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग होनी चाहिए. आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में करियर प्लानिंग को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के जो है एक डिपार्टमेंट बनाइए कि अगर कोई पर्सन एंग्जाइटी फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, सो दैट पर्सन कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वन कमेटी और पर्सन और काउंसिल, तो वहाँ से जाकर के वो डिस्कस कर सकता है. यूजुअली आपको अपने कॉलेजेस में भी दिखते होंगे, ठीक है. एक पता नहीं कौन से छुपके से एरिया में छुटका सा रूम बना देते हैं, उस पर लिख देते हैं काउंसिल डिपार्टमेंट, काउंसिल रूम, ठीक है. वहाँ पे कोई बैठा हुआ होता नहीं है, ताला लगा हुआ होता है, अंदर झाँक के देखोगे तो जाले भी लटक रहे होते हैं,
तो वो भी सिचुएशन होती है। हालांकि प्राइवेट में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पूरा अच्छे से आपको जो है मिल जाता है काउंसिल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रेस कंट्रोल वर्कशॉप। भैया वर्कशॉप कराना कि कैसे आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो, हाउ यू कैन कंट्रोल स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वर्कशॉप सेमिनार्स करा देना ताकि लोगों को न्यू टेक्निक्स मिले कि कैसे वो रिलैक्सेशन कर सकते हैं, कैसे जो है सिटिंग जॉब में बैठ करके 5 मिनट में मेडिटेट करके अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयज को असिस्ट करना कई चीज़ों में, उसके लिए प्रोग्राम्स बनाना, स्पेसिफिक गोल रखना, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट कराना कि भैया देखो ये काम है आज तुम भी मिल करके करते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना, रिवॉर्ड करना एम्प्लॉयज़ को, वेलनेस प्रोग्राम्स बनाना। ठीक है, इस तरीके से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हो ताकि लोग जो है जो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा क्लाइम कह सकते हो इन्वायरमेंट उनको मिल जाए। इन टूडेज कंटेंट स्ट्रेस इज अ कॉस्टली बिजनेस एक्सपेंसिस दैट अफेक्ट बोथ एम्प्लॉय हेल्थ एंड कंपनी प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है, आज के टाइम में स्ट्रेस जो है एक कॉस्टली बिजनेस एक्सपेंस बन गया है, बिजनेस का एक कॉस्टली एक्सपेंस बन गया है जो कि एम्प्लॉय की हेल्थ को भी एक अफेक्ट करता है और साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट को भी। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस इज इनकम्पैटिबल। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही अपना स्ट्रेस का जो है एब्सेंस कर दो, खत्म कर दो विद लाइफ, since only a dead man makes no demand on his body or mind। ठीक है, सिर्फ एक मरा हुआ व्यक्ति है वही जो है कोई डिमांड नहीं करता या फिर जो है कोई उस बॉडी में या फिर माइंड में, बाकी अदरवाइज अगर आप जिंदा हो ना बेटा तो बिल्कुल स्ट्रेस तो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत होगा ही होगा, बिल्कुल आप एब्सेंस नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ये आपका एक कोट था बाय योर हंस साइली। नेक्स्ट आपका जो है ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये नोट्स भी मैंने किसी से चुराए हुए थे तो इनका नाम आ ही गया यहाँ पे, तो मैं ज़रूर इनको जो है जिनका भी ये नाम है मिस बीनू मैम ओके, एंड ये बुक्स के थ्रू ये सोर्सेज के थ्रू ये नोट्स बनाए गए हैं, सो उनको इसका पूरा क्रेडिट जाता है। और लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।